हेलो फ्रेंड्स, आज आपका वेलोसिटी द फिजिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक न्यू कोड के साथ आगे बढ़ाएंगे लेक्चर को, फेलियर और सक्सेस। हार और जीत दोनों आप पर ही डिपेंड करती है। या तो आप हार कर बैठ जाओ, यानी कि अपने चैलेंजेस को छोड़कर आप हार कर बैठ जाओ, आगे बढ़ने की सोचो ही मत, या फिर जो हार से आपको लर्निंग मिली है या सीखने का मौका मिला है उसे आप अपनी सक्सेस में यूज करो। इससे पता चलता है कि हार और जीत दोनों आप पर ही डिपेंड करती है। अगर आप अपने सक्सेस में फेलियर होते हो तो फेलियर क्या होता है, ये सक्सेस का फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप सक्सेस की ओर बढ़ना चाहते हैं तो फेलियर आपको लर्निंग सिखा कर जाती है। आपने सुना है कि फेलियर इज ऑपोजिट टू सक्सेस, लेकिन जो फेलियर होता है वो ऑपोजिट नहीं होती सक्सेस का। जो फेलियर है वो सक्सेस की ओर बढ़ने का फर्स्ट स्टेप है। तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज हम आपको एक न्यू इंफॉर्मेशन, एक न्यू आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, वो है मास्टर कैडर 2020 का कोर्स, ठीक है। और आपकी इस सक्सेस में आपकी जो हेल्प करेगा वो करेगा वेलोसिटी द फिजिक्स फैक्ट्री। आपको इस चैनल पर पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कराया जाएगा। इसे हम न्यू अप्रोच के साथ टैकल करेंगे। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। यहां पर हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो होगी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। इसे हम समथिंग कोई 7 to 10 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इस जो ये न्यूक्लियर फिजिक्स आप ये वाले लेक्चर देखोगे, इसमें से मास्टर कैडर का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपको इस चैनल का प्रॉमिस है। और तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम करेंगे पार्टिकल फिजिक्स को पहले शुरू करेंगे, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि पार्टिकल फिजिक्स में आते हैं उसे हम शुरू करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये पार्टिकल फिजिक्स क्या है, पार्टिकल फिजिक्स में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, ठीक है, ये हम बात करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इनका नेचर देखेंगे कि कैसा इनका नेचर डिफरेंट होता है, इस नेचर को हम डिस्कस करेंगे। पार्टिकल फिजिक्स में हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो पार्टिकल फिजिक्स को, अगर हम इस पार्टिकल फिजिक्स को क्लासिफाई करें तो कैसे करेंगे, पार्टिकल फिजिक्स को हम 2 टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे। एक तो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास, और सेकंड करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास और ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस। इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मास में क्या होता है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ मास में हम किसकी बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मास इसमें कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और म्यूओंस, इसके अंदर अगर हम क्लासिफाई करें मास के तो उसका मास होगा 0 से लेकर 115 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, लेकिन जो टाउन्स होता है उसका मास होता है 758 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। लेकिन हमने क्या करना है, इसमें कम से कम जिसका मास है उसी पार्टिकल को ही इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो टाउन्स आ रहा है उसका मास है 758 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन्स और टाउन्स का सबसे कम मास है, जिसका मास 0 से लेकर 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मास, तो ये वाली क्लासिफिकेशन क्या होगी, गलत होगी। अब हम दूसरी अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है।
सबसे पहले हमने क्या किया, पार्टिकल फिजिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहला पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ द मास और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इसे फर्दर डिवाइड करेंगे, वन करेंगे हम लैप्टॉन्स में और सेकंड करेंगे हम हैड्रॉन्स में। ठीक है, क्या किया, एक तो लैप्टॉन्स में किया और दूसरा किया हैड्रॉन्स को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लैप्टॉन्स की। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, म्यूऑन्स होंगे और टाउन्स होंगे। फिर इनके साथ क्या होंगे, इनके न्यूट्रोनो पार्टिकल भी होंगे, यानी कि न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो ऑफ म्यूऑन एंड न्यूट्रिनो ऑफ टाउन। अगर आप टोटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए हमारे पास, सिक्स। ठीक है, टोटल पार्टिकल कितने हुए, सिक्स हुए। अगर इनके एंटी पार्टिकल को लेकर आए तो वो क्या होंगे, पॉजिट्रॉन, ये होगा इसका एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का। फिर आएगा म्यू पॉजिटिव एंटी पार्टिकल ऑफ म्यू एंड टाउ पॉजिटिव एंटी पार्टिकल ऑफ टाउस। टोटल पार्टिकल कितने हुए, सिक्स। टोटल पार्टिकल 12 हो गए। कैसे, टोटल तो पार्टिकल हुए सिक्स और टोटल एंटी पार्टिकल हुए सिक्स। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, टोटल सिक्स आ गए। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू सिक्स, नंबर ऑफ एंटी पार्टिकल इक्वल टू सिक्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, म्यूऑन्स भी हैं और टाउन्स भी हैं। फिर इनके साथ न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा, न्यूट्रिनो ऑफ म्यूऑन भी होगा, न्यूट्रिनो ऑफ टाउन्स भी होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, सिक्स होंगे। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और उसके बाद हमारे पास आ गया एंटी पार्टिकल, फिर पॉजिटिव, फिर म्यू पॉजिटिव, फिर एंटी पार्टिकल टाउ पॉजिटिव एंड फिर आ गया टाउ एंटी पार्टिकल। ठीक है, टोटल पार्टिकल अगर इन दोनों की बात करें तो 12, नंबर ऑफ पार्टिकल 6 हो गए और एंटी पार्टिकल भी हो गए 6 हो गए। अब बात करते हैं हम हैड्रॉन्स की। हैड्रॉन्स में क्या होगा, इसे भी हम डिवाइड करेंगे। पहला आएगा मीजोन्स, फिर आएगा इसके अंदर बोजोन आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, हैड्रॉन के अंदर एक तो बोजोन आएगा और दूसरा आएगा मीजोन्स आएगा, और साथ में अगर इसको डिवाइड करें तो आएगा फर्मियोन्स और बेरियोन्स, बेरियोन्स। ठीक है, अब देखो मीजोन्स और बोजोन क्या करते हैं, जो बोस आइंस्टाइन है स्टैटिस्टिक्स उसको फॉलो करेंगे, ये फर्मी डिराक को फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात ये, अगर स्पिन की बात करें तो इसकी स्पिन होगी 0, 1, 2, 3 और इसकी स्पिन कितनी होगी, 1/2, 3/2। ठीक है, यानी कि जो मीजोन्स और बोजोन्स हैं इनकी स्पिन जो होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, यानी कि इंटीजर नंबर होगा, और फर्मियोन्स का क्या होगा, 1/2, 3/2। ठीक है, अब देखो मीजोन की हम थ्री फैमिली को डिस्कस करेंगे। मीजोन की थ्री फैमिली कैसे, इसमें होता है एक पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, और एक होता है के पॉजिटिव, के जीरो एंड निट्टा। ये क्या हो गए, पायोन्स हो गए, ये हो गए कायोन्स हो गए और ये निट्टा हो गया। ठीक है, ये होगी मीजोन की फैमिली हो जाएगी। अब देखो ये हमने क्लासिफाई किया, इसके अंदर टोटल पार्टिकल कितने हो गए, टोटल पार्टिकल इक्वल टू कितने आ गए, सिक्स आ गए। ठीक है, टोटल पार्टिकल सिक्स हो गए। पाई क्या है, पाई इक्वल टू ट्रिपलेट, के इक्वल टू डबलेट एंड निट्टा इज इक्वल टू सिंगलेट। इसमें क्या हो गया, पाई में पाई हो गया थ्री फैमिली मेंबर हो गया, के डबल फैमिली मेंबर हो गया एंड निट्टा सिंगल फैमिली मेंबर हो गया। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया मीजोन और बोजोन को, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम डिस्कस करेंगे फर्मियोन्स को, ये फर्मियोन्स इसे हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्मियोन्स के अंदर क्या होगा, फर्मियोन्स को हम आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये है फर्मियोन्स, इसे हम क्या करेंगे फर्दर आगे
टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला करेंगे न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन और क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा। ठीक है, फर्मियोन्स को हमने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके अंदर क्या हो गया, पहला पार्ट है न्यूक्लियस, इसके अंदर होंगे प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। फिर इसको हमने डिवाइड किया हाइप्रोन्स में, हाइप्रोन्स के अंदर कितने पार्टिकल सब्स्टिट्यूट होंगे। सबसे पहले इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम समीशन पॉजिटिव, समीशन नेगेटिव एंड समीशन जीरो। ठीक है, क्या किया, समीशन पॉजिटिव, समीशन नेगेटिव एंड समीशन नॉट हो गया। ये इसके बाद आएगा कैस्केड नेगेटिव एंड कैस्केड जीरो या फिर नॉट, यहां पर आ जाएगा लैम्डा और ये हो गया ओमेगा, या फिर आप इस तरह से भी साइन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं हम, फर्मियोन्स लिया, फर्मियोन्स को हमने फर्दर डिवाइड किया, पहला न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टू पार्टिकल सब्स्टिट्यूट्स हुए, और फिर लिया हमने हाइप्रोन्स, हाइप्रोन्स के अंदर कितने हुए, सेवन पार्टिकल सब्स्टिट्यूट, तीन तो हमारे सबमिशन हो गए, दो कैस्केड, एक लैम्डा और एक ओमेगा। इस तरह से हमने एलिमेंट्री पार्टिकल को क्या किया, क्लासिफाई किया। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोस्पिन और आई थ्री। सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोस्पिन, इसे हम डिनोट करते हैं आई से, और फिर करेंगे आई थ्री क्या होता है, थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो अगर हमने आई फाइंड करना है, आई मीन्स आइसोस्पिन, आइसोस्पिन फॉर पायोन्स। ठीक है, पायोन्स क्या हो गए, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। अब देखो आइसोस्पिन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा, 2i प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास फैमिली है, यहां पर आ जाएगा 2i आ गया, प्लस 1 आ गया, n कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, ये आ गया 3, ये आ जाएगा 2i इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम आइसोस्पिन की बात करें 4 पायोन्स के लिए, तो उसकी आइसोस्पिन आएगी 1, कितनी आएगी, आइसोस्पिन आ जाएगी पायोन्स के लिए 1 आ जाएगी। और अगर हम थर्ड कंपोनेंट को डिस्कस करें आई थ्री को, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे, अगर ये पाई पॉजिटिव है, ये पाई नेगेटिव है और ये पाई जीरो है, आइसोस्पिन 1 आई तो वेरी करेगी माइनस 1 से लेकर 1 तक, तो बीच में आ जाएगा 0, तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है हाई चार्ज उस पर 1 आ जाएगा, नेगेटिव पर माइनस 1, इस पर आ जाएगा 0। ये है आई थ्री फोर पायोन्स। अब ये भी देख लो आप क्या किया हमने, 2i प्लस 1 इक्वल टू n, इस फॉर्मूला का यूज करके हमने पायोन्स निकाल लिए, यानी कि 3 फैमिली मेंबर को डिस्कस कर लिया। इसी के साथ अगर हमारे पास दो पार्टिकल दिए हुए हैं k पॉजिटिव और k जीरो, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 2i प्लस 1 इक्वल टू n, कायोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कायोन्स कितने हैं, 2 आ जाएगा, ये आ गया 2i इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1/2। अगर ये 1/2 है तो कहां से कहां तक वेरी करेगा, माइनस 1/2 से लेकर 1/2 तक। i3 निकालना है, k पॉजिटिव और k जीरो, हाई चार्ज है तो इस पर आ जाएगा 1/2, इस पर क्या है, नोट है, तो -1/2। ये हमने निकाल लिया कायोन्स के लिए। ठीक है, अब देखो अब हम निकालेंगे, अगर हमने यही आई निकालना हो क्वाड्रेट के लिए तो क्या करेंगे, या हमारे पास क्या दिया है, क्वाड्रेट है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2i प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2i इक्वल टू 2, 4 माइनस 1 3, i इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2 कहां तक कहां से वेरी करेगा, माइनस 3/2 से लेकर 3/2, तो बीच में आएगा 1/2 और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब i3 देखना है, i3 को देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये है हमारे पास और ये आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 और ये नेगेटिव,
तो कैसे करेंगे, हाई चार्ज आ गया 3/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा और -3/2। इस तरह से हम ये क्वाड्रेंट के लिए आई और आई थ्री भी निकाल सकते हैं। ठीक है।